गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 9, द फीस्ट। फीस्ट को हम बड़ा भोज कहते हैं हिंदी में। मोतीराम शास्त्री और अन्य 7 ब्राह्मणों को इस कहानी में रानी साहिबा फीस्ट के लिए निमंत्रण देती है, और वहाँ पर क्या होता है इस में ये स्टोरी इसके बारे में है। पंडित मोतीराम शास्त्री एंटर्ड द हाउस। पंडित मोतीराम शास्त्री ने घर में एंटर किया, रबिंग हिज न्यूज पाउच पाउच मैंने पेट और अपने बड़े पेट को रब किया, एंड इफ ही एंटिसिपेटिंग एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, और उत्सुकता से मुस्कुराने लगे। एक्सीलेंट न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है माई डियर, मेरी प्यारी, ही सैड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को कहा जिसका नाम सोना देवी था। टुडे आई हैव एक्सेल्ड माई आई हैव मैनेज एन इन्विटेशन ऑफ योर इंटायर फैमिली। आज मैं मेरे पास मैंने जो है एंटायर पूरे परिवार के लिए एक इन्विटेशन का मैनेज किया है। मेक ऑल द नेसेसरी प्रिपरेशन, सभी प्रिपरेशन करने के बाद जरूरी। टू नाइट रानी साहिबा ऑफ मुरादपुर, मुरादपुर में रानी साहिबा विशेष टू फीड 7 ब्राह्मण, इच्छा की है कि 7 ब्राह्मण, एंड ही हैज़ लेफ्ट देयर सिलेक्शन टू मी, और ये में काम मुझे सौंपा गया है। वैन पंडित अलगुराम शर्मा, बेनी राम शर्मा, चिंतामणि राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोती राम शास्त्री एक्सेट्रा प्रेजेंट हेयर राइट हेयर वाई लुक एनी फदर। तो उसने कहा कि जब यहाँ पर उनके बेटे हैं 6, अलगुराम, बेनी राम, चेदी राम, भवानी राम, फेकू राम, मोती राम, तो वो कहते हैं जब ये 6 के 6 यहाँ पर उपस्थित हैं शास्त्री, तो मुझे और कहीं देखने की ज़रूरत क्या है। एंड द 7th ब्राह्मण, और 7वां ब्राह्मण, इक्वायर्ड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछा। द 7th ब्राह्मण विल बी पंडित सोना राम शास्त्री, 7वां ब्राह्मण जो है वो पंडित सोना राम शास्त्री होगा। डोंट जोक विद मी, मेरे साथ मजाक मत करो, सैड सोना ने कहा। ब्लशिंग हाउ कैन आई डू अलोंग, ऐसे कैसे, वाई नॉट, क्यों नहीं, सैड मोतीराम। रिमेंबर ए वाइस मैन इज वन हु मेक्स फुल यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। वो कहती है बुद्धिमान व्यक्ति, वाइस मैन में बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो प्रत्येक अवसर का पूरी तरह लाभ उठाए। वट इज द डिफरेंस बिटवीन सोना देवी एंड सोना राम शास्त्री। वो कहती है सोना देवी और सोना राम शास्त्री में क्या अंतर है। ओनली ए मैटर ऑफ ड्रेस, केवल एक ड्रेस का अंतर है। रैप योर साड़ी अराउंड यू लाइक ए धोती, अपनी साड़ी एक धोती के रूप में बांध देना चारों तरफ। वियर माई जैकेट, मेरी जैकेट पहन लेना। कवर इट विद ए शॉल, उसको शॉल से कवर कर लेना। आई विल हेल्प यू टाई ए टर्बन, और मैं तुम्हें टर्बन यानी पगड़ी बांधने में तुम्हारी सहायता करूँगा। एंड देयर यू आर, और तुम, हु विल रिकॉग्नाइज यू, तुम्हें कौन पहचानेगा। सोना गिगल, सोना अपने दांत दिखाती हुई मुस्कुराने लगी। आई फील शाई, मुझे शर्म आ रही है, शी सैड कोयली, उसने कहा। सोना देवी पंडित कॉल्ड हिज 5 सन्स, पंडित ने अपने 5 बेटों को बुलाया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अब इस बात को ध्यान से सुनो, ही सैड, वो बोले। इफ़ रानी साहिबा आस्क योर नेम्स ऑफ योर फादर, यदि तुम्हारी रानी साहिबा तुम्हारे पिता के नाम तुमसे पूछे, डोंट मेक ए फुलिश मिस्टेक ऑफ टेलिंग हर यू आर ऑल माई सन्स, तो उसे बताने की गलती मत करना कि तुम मेरे बेटे हो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ नेम्स, संसार जो है वो नामों से भरा हुआ है। चूज 5 नेम्स टू योर फादर्स नेम, उनमें से 5 अपने पिता के नामों को कर लेना। जस्ट फॉर द इवनिंग, शाम के समय।
यू चूज द नेम फॉर अस, अपने लिए नाम चुन लेना, सैड अलगू अलगू ने कहा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। सैड मोतीराम शास्त्री, मोतीराम शास्त्री ने कहा। अलगू योर फादर नेम इज़ पंडित केशव पांडे, अलगू तुम्हारे पिताजी का नाम पंडित केशव पांडे है। रिमेंबर दैट, याद रखना। बेनीराम योर फादर नेम इज़ पंडित मंगरू ओझा, बेनीराम तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। डोंट फॉरगेट इट, मत भूलो। चेदीराम, इस बात को मत भूलो। योर फादर इज़ पंडित डामरी, और चेदीराम तुम्हारे पिताजी कौन है? पंडित डामरी तिवारी। इज़ दैट अंडरस्टूड, क्या तुम ये बात समझ गए हो? भवानी यू आर द सन ऑफ पंडित गंगू पांडे, भवानी तुम जो है गंगू पांडे के बेटे हो। एंड यू, और तुम। माई चाइल्ड फेकूराम, मेरे प्यारे फेकूराम इज़ द सन ऑफ पंडित सेतुराम पाठक, और तुम किसके पुत्र हो? पंडित सेतुराम पाठक के। वाइल मोतीराम शास्त्री वार टूटिंग ए सन, जैसे ही जब मोतीराम ने बच्चों को बेटों को पढ़ा रहा था, इज ओल्ड फ्रेंड उसके पुराने दोस्त पंडित चिंतामणि, पंडित चिंतामणि अपीयर्ड एट द डोर, दरवाजे पर आए। मोतीराम वाज नो मोस्ट हैप्पी अनहैप्पी टू सीम, मोतीराम उसे देखकर बहुत खुश नहीं हुआ, ना खुश हो गया। नॉर्मली द टू ऑफ देम वेंट द डो वेंट टूगेदर, वैसे जब भी कोई भोजन होता था वो इकट्ठे जाते थे। वेन एवर एंड वेयर एवर, जब भी और जहाँ भी ब्राह्मण वर बींग फैड, ब्राह्मण जो रहता है भोजन के लिए बुलाते थे। एंड गोगर डैमसेल टू देयर हर्ड कॉन्टेंट, बट टूडे, परंतु आज मोतीराम हैड नो इंटेंशन टू टेकिंग चिंतामणि, लेकिन मोतीराम की कोई भी इच्छा नहीं थी चिंतामणि को ले जाने की विधिम साथ में, बिकॉज दैट वुड हैव मीन लीविंग वन ऑफ हिज ओन फैमिली मेम्बर, इसका मतलब था अपने परिवार के किसी सदस्य को छोड़ देना पीछे। ओ सैड पंडित चिंतामणि, पंडित चिंतामणि कहा, आई सी यू आर ऑल सेट टू गो समवेयर, मैं देखता हूँ तुम कहीं जाने की कोशिश कर रहे हो विद द एंटायर फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ। वेयर इज द बिग फीस, बड़ा बोझ कहाँ पर है? वट फीस, कैसा बोझ? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आस्ट मोतीराम शास्त्री, मोतीराम ने पूछा। लुकिंग वेरी इनोसेंट, बड़ी ही भोलेपन से, हैव नोट यू ऑलवेज गोन विद मी, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? वेन एवर देयर हैज़ बीन इन्विटेशन, जब भी इन्विटेशन होगा। वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम इकट्ठे नहीं जाएंगे। आई विल टेक यू लीव, मैं जाता हूँ, चिंतामणि ने कहा। यू सीम टू मी वेरी बिजी, तुम बहुत बिजी लग रहे हो, बट आई नो यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी, हाइडिंग मैंने क्या होता है छुपाना, कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मोतीराम, आई नो इट, मोतीराम मैं जानता हूँ। इट वॉज ऑलमोस्ट 9 o'clock, 9 o'clock अब लगभग 9 बज चुके थे, वेन मोतीराम शास्त्री एंड हिज ग्रुप ऑफ पंडित्स रीच द वेन्यू ऑफ फीस्ट, वेन्यू को होता है जगह, तो उस जगह पर जब मोतीराम अपने उस स्थान पर पहुंचा, रानी साहिबा वाज वेटिंग फॉर देम, रानी साहिबा उनका इंतजार कर रही थी। शी गॉट अप, वह उठी, टच्ड पंडित जी फीट, पंडित जी के फीट को छुआ, पैरों को छुआ, एंड स्माइल और मुस्कुराने लगी। एज ही लुक एट द बॉय, जैसे उसने लड़कों को देखा। वेयर डिड यू कलेक्ट दिस चिल्ड्रन फ्रॉम, तुम ये बच्चे कहाँ से इकट्ठे करके आए हो पंडित जी? शी सैड, वो बोली, वट कुड आई डू सरकार, मैं क्या करता? सैड मोतीराम ने कहा, आई सर्च द इंटायर टाउन, मैंने पूरे नगर में देखा, ढूंढा, नो ब्राह्मीन वाले, कोई भी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं था। ऑल आई कुड डू, और मैं क्या करता, वाज टू गेट होल्ड ऑफ सम ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को लाने के अलावा, उनके बच्चों को लाने के अलावा। फेकूराम टेल रानी साहिबा व्हाट इज योर फादर नेम, फेकूराम बताओ रानी साहिबा को आपके पिता का क्या नाम है? पंडित सेतुराम पाठक। सैड फेकू, फेकू ने कहा, पंडित मोतीराम फादर, व्हाट ए ब्राइट स्वीट चाइल्ड, कितना सुंदर बच्चा है। रानी ने बोला, वांटिंग टू बी प्रेज्ड ऑलवेज, द अदर चिल्ड्रन चिम्ड इन,
माई फादर नेम इज़ दमरी तिवारी, चेदी ने कहा मेरे पिता का नाम दामरी तिवारी है। माइन इज मंगरू ओझा, मेरे पिता का नाम मंगरू ओझा, बेनी ने कहा। अलगू वाज साइलेंट, अलगू बिल्कुल चुपचाप था। वट इज़ योर फादर नेम, आपके पिता का क्या नाम था, दारानी आस्किम, रानी ने पूछा। पुअर अलगू हैड फॉरगेटन द नेम, अलगू जो है अपने नाम को भूल गया। ही हैड बीन मेमोराइजिंग ऑल इवनिंग, और प्रत्येक शाम को उसको ये बात याद करवाई थी। का केक मोतीराम टू अलगू, मोतीराम ने अलगू का अंडर द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द थ्रोट कि लगता है इसकी आवाज़ गले में ही अटक गई है। केशव पांडे सेट अलगू सडनली एंड लाउडली, अलगू ने तेजी से और जोर से कहा कि उसका नाम केशव पांडे है। द फूड वाज गोइंग टू बी सर्व, फूड जो है वो परोसा गया। मोतीराम एंड हिज फैमिली कुड नॉट गेप एट इट, और मोतीराम और उसके परिवार, गेप का मतलब होता है हैरानी से, लालचपन से किसी चीज़ को देखना। व्हाट फ्रेग्रेंस, कितनी खुशबू। व्हाट्स कलर, कितना कैसा रंग। एवरीवन कुक्ड इन द प्योरेस्ट घी, हर चीज़ जो है प्योर घी में बनाई गई है, प्लेंटी ऑफ इट। देयर वाज द ओनली थिंग लैकिंग, केवल इसमें एक चीज़ की कमी है। टू थॉट मोतीराम, मोतीराम ने सोचा। एंड दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ चिंतामणि, और वो क्या था, मोतीराम की उपस्थिति। हिज ओल्ड फ्रेंड, उसका पुराना मित्र। एंड रेगुलर कंपेनियन, और रेगुलर सहपाठी एट मैनी फी, जो उसके साथ भोज पे जाता था। बट ए मिस्टेक, कैसी गलती। ही हैड मेड नॉट ब्रिंगिंग हिम अलोंग दिस इवनिंग, जो उस, बट ए मिस्टेक, क्या गलती कही है, जो उसके लिए नहीं लाया इस शाम को। हाउ कुड दे हैव चैलेंज ईच अदर टू इट मोर एंड येट मोर, कैसे वो एक दूसरे को खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज करते थे। इंस्पायर्ड बाय देम, इंस्पायरेशन, इवन द बॉयज़ वुड हैव ईटन मोर एंड देन नॉर्मल कैपेसिटी, उनसे इंस्पिरेशन लेके उनके लड़के भी जो है एक दूसरे को खाने से ज़्यादा कैपेसिटी देते थे। मोतीराम जंप, मोतीराम कूदा टू द फीट, अपने पैरों पर। एंड सैड रानी साहिबा, और रानी साहिबा से बोला, सरकार देयर इज़ ए वेरी लर्न ब्राह्मण इन द टाइम, एक ब्राह्मण इस नगर में रहता है, पंडित चिंतामणि, हूम आई क्वाइट फॉरगेट टू इनवाइट, जिसे मैं इनवाइट करना भूल गया हूँ। विद योर काइंड परमिशन, यदि आपकी परमिशन, आज्ञा, परमिशन क्या होता है, आज्ञा हो तो, आई कुड रन, मैं जाऊँ फैच मैंने लेकर आऊँ, फैच मैंने क्या होता है, लाना, इन फ्यू मिनट, कुछ ही मिनटों में। वेरी वेल, बहुत अच्छा, इफ़ यू इंसिस्ट, यदि इंसिस्ट करते हो। शी सैड, वो बोली, टेक माई कार एंड हरी बैक, मेरी कार ले जाओ और जल्दी वापस आना। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो है स्टोरी पढ़ेंगे। थैंक्स।